तो चलिए दोस्तों, कैथवारा वर्सेस सिंगार का मैच दिखाएंगे आज आपको फुल हाईलाइट। आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो, सिंगार या फिर कैथवारा को? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोजाना ऐसे ही देखने के लिए हाईलाइट। छक्का तो यार गजब का मारा है, लेकिन बॉल आनी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये तो स्टेडियम पार हो गया और गेंद आना भी मुश्किल है। छक्का, इकराम ने फिर छक्का मारा है। स्कोर बढ़कर हुआ 43 रन, एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चल रहा है। तीसरा ओवर चल रहा है, 43 रन। 43 रन थोड़ा सा स्कोर, 43 रन, तीसरा ओवर चल रहा है, एक विकेट के नुकसान। सिंगार की खराब गेंदबाजी। तो दोस्तों, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का लग चुका है, जो बॉल अभी भी नहीं मिल रही है। तो बहुत जल्द दूसरी गेंद आ जाएगी, यानी नई गेंद से डलेगी अगली बॉल, और देखते हैं बैट्समैन इस पे क्या करता है। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी जाहिद, जो कि वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर गए। वसीम अकरम चले इकराम के लिए, और इकराम ने फिर लपेट कर मारा है गेंद को। माशाल्लाह भाई, एक और खूबसूरत छक्का लगाया है इकराम ने। देखते हैं अब ये मैच कितनी जल्द खत्म करता है। ये बॉल चले साकिब। तो दोस्तों, एक तरफ से तो छक्का मार ही रहा है बल्लेबाज, लेकिन इसने कहा मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी स्टेडियम पार करना जानता हूँ। तो दोस्तों, ये मैच कैथवारा ने जीत लिया है सिंगार से। सिंगार ने पहले बल्लेबाजी की थी, 8 ओवर में दिया था, 59 रन बनाए थे, 60 रनों का टारगेट था। अभी कैथवारा ने 3.5 ओवर में जीत लिया है, 9 विकेट से मैच। बने रहिए आप मेरे चैनल से हाईलाइट के लिए।